Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own. Baby, it's not the lie. Remember, you are me. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions.
जब मैं निकली थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए उस टाइम पे यहाँ पे धूप आ रही थी, तो मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना और अभी वापस आते आते मेरी बैंड बच गई है क्योंकि इट्स वेरी वेरी विंडी। और अभी बजा भी ज़्यादा नहीं, आई थिंक इट्स ओनली 1:30 दो बज रहा, 2:30 हो गया है, बट का सबकी ठंड है यार। तो कोई बात नहीं, आधे घंटे से यही फ़र्क पड़ता है। अभी मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई बिकॉज ही केम एंड जॉइंड मी इन बिटवीन, एंड लड़कों के साथ शॉपिंग करना तो यू नो आधे टाइम तो यही रहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। सो आई गॉट इरिटेटेड एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं एक राउंड और आ जाऊँगी बिकॉज वो सुपरमार्केट हमारे जस्ट पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, बट आई वॉन्ट माई ओन स्वीट टाइम टू शॉप इवन इफ इट इज़ ग्रोसरीज। सो येस वी आर बैक होम नाउ, थोड़ा रेस्ट करके अगेन आई विल गो इन द इवनिंग। तो हम लोग अभी घर आ गए हैं पिज़्ज़ा खा के, और अभी यहाँ पे ना 6:15 हो रहा है, बट बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो बेसिकली वो हमारा डिनर नहीं था, इट वाज लाइक अ इवनिंग स्नैक समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज भूख लग गई थी। अंकित भी पूरा दिन बाहर था और मैं भी, तो मतलब पूरा दिन तो नहीं बट ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही थे ना, तो बहुत ज़्यादा चल चल के इतनी भूख लग गई थी, इतना हम लोग को चलने की आदत है नहीं। और अभी यहाँ पे ना 6:15 हो रहा है, बट यू कैन सी आउटसाइड पूरा अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे 4:30 अंधेरा हो जाता है, तो इतना छोटा दिन लगता है। जैसे इंडिया में तो यूजुअली 5:30-6 बजे के बाद अंधेरा होता है ना, बट यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि 4 बजे तो यार हम लोग ऐसे बाहर ही निकलते हैं और एकदम से 4 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 4:30-4 बजे तो बहुत ही ऐसा लगता है कि यार एकदम से अंधेरा हो गया। बट एनीवे, सो आज मैं काफ़ी सारी ग्रोसरी लेके आई थी जो मैं दिखाना चाह रही थी, बट फिर मैं बिज़ी हो गई उसके बाद। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने भी सुपरमार्केट्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मोस्टली जो मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं उनकी, तो ना बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं, तो मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ क्योंकि सब जगह पोलिश में लिखा है और यहाँ पे पोलिश मतलब सॉरी इंग्लिश लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अगर आप किसी से भी पूछो कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो बोल देते हैं नो और लिटिल बिट, तो मतलब दूसरे को ना समझाना या फिर किसी से कुछ पूछना थोड़ा सा टफ हो जाता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आप जैसे मान लो मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ तो मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे होगी या फिर उस चीज़ का नाम क्या होगा, तो बहुत ही थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजिंग सा हो जा रहा है। सो यहाँ पर हमारे घर के जस्ट पीछे, मतलब ये एयरबीएनबी जहाँ पे अभी हम हैं ना, इसके जस्ट पीछे एक स्टोर है, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरी लानी थी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी नमक, ये मैं इंडिया से पता नहीं समहाउ मैं नमक लाना भूल गई। मैंने नमक लिया था बट वो ये वाला नमक था, ये जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना ये था, और ये ग्राइंडर वाले फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा मतलब यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई नीडेड वॉज नमक का पैकेट, तो एक नमक मैं लेके आई। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी ये गारबेज बिन्स। हमारा जो 3-4 दिन से यहाँ पे गारबेज भर गया था, तो उन्होंने पहले बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो लगा के दिया था, बट उसके बाद फिर उसको चेंज करना था तो हमारे पास गारबेज बैग नहीं थे, तो मैं वो लेके आई। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वॉज आटा, तो मुझे यहाँ पे ना कहीं पे भी आटा नहीं मिल रहा है, लाइक व्हीट फ्लावर। सो इधर एक स्टोर है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, इट्स बेसिकली इंडियन स्टोर बट उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी।
तो हम लोग परसों वहाँ गए थे और वहाँ पे जो आशीर्वाद का आटा आता है ना वो 10 kgs वाला था, जो पूरा बड़ा कट्टा आता है। मैंने बोला यार इतना आटा तो हम खाते नहीं हैं, ना ही हम इतनी रोटी बनाते हैं कि 10 kilo का पैकेट लेके जाएं। तो आई थॉट कि कहीं और मुझे मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो दूसरे लोकल स्टोर्स हैं पोलैंड के ना, वहाँ पे ये वाला आटा मिलता है, मतलब इस टाइप से मिलता है, सिर्फ 1-1 kilo के पैकेट में। इधर वीट फ्लावर लिखा हुआ है, सो ये मैं लेके आई हूँ 1 kilo। अब 1 kilo तो ज़्यादा चलेगा नहीं, बट ठीक है टाइम पास के लिए। अच्छा, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एक सीज़र। सो ये इसके पीछे भी एक बहुत फनी सी स्टोरी है। तो क्या हुआ, जब हम लोग इंडिया से आ रहे थे ना, तो किसी ने हमें बोला कि सीज़र्स लेके आना है, यहाँ पे सीज़र्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 सीज़र्स थे, एक तो किचन के यूज़ का और एक वैसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए। मतलब जिस दिन हम लोग इंडिया से निकल रहे थे उसी दिन मैंने अंकित को बोला कि एक और सीज़र ले आओ, क्योंकि चाहिए होती है ना कभी, जैसे अगर इसकी जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा, मतलब जो धार है इसकी कम हो गई तो चाहिए होगी। तो अंकित उसी दिन एक और सीज़र लेके आए। बट क्या हुआ कि एयरपोर्ट में आपको ऑब्वियसली हैंड बैगेज में तो सीज़र्स और ये चीज़ें, शार्प चीज़ें अलाउड नहीं होती ना, तो मैंने उसको रखा था अपने चेक इन बैगेज में। बट जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मेरा एक बैग में जिसमें सीज़र्स थी उसमें कुछ वेट ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आपको वेट ना शफल करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी में मैंने आधा सामान इधर से उधर किया एयरपोर्ट पे, तो उस चक्कर में वो जो सीज़र वाला बैग था ना वो बाय चांस चेक इन बैगेज से हैंड बैगेज में आ गया। और फिर जब हम आगे आए तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी चेक इन पे हमें रोक दिया, क्योंकि हमारे बैग में 3 सीज़र्स थी और एक ही साथ तीनों सीज़र्स चली गई। तो आई वाज लाइक सो हार्ट ब्रोकन कि यार मेरी तीनों कैंची चली गई, अब मैं क्या करूँगी। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कैंची के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। सो ये मैं लेके आई हूँ। एंड उसके बाद आई हैव गॉट दीज काजू एंड कैशूज एंड वॉलनट्स, बिकॉज सुबह जैसे कैशूज तो किसी भी चीज़ में काम आ जाते हैं, वॉलनट्स ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। एंड देन आई हैव गॉट वन नाइफ, वैसे नाइफ तो मैं लेके आई थी बट फिर मैं एक और ले आई। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो जो क्लिप्स आती है ना पैकेट्स बंद करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अभी जो भी हमने मसाले वसाले मैं लेके आई हूँ उसके पैकेट्स ऐसे खुले हैं, तो मुझे बहुत इनकन्वीनियंस हो रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने ये ले लिया। एंड आई गॉट दिस स्मॉल सा ये ऐसे स्पैचुला, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है जो सिलिकॉन वाला होता है। मेरे पास 2 थे इंडिया में बट वो मैं पता नहीं समहाउ नहीं लाई, तो आई गॉट दिस। एंड व्हाट एल्स, यस, और बाकी फिर मैंने एक लिया हैंड वॉश, क्योंकि यहाँ पे हैंड वॉश भी नहीं था। देन आई गॉट दिस ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग एंड सम जिंजर एंड सम एप्पल्स। एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है ना, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ग्रीन चिली नहीं मिली। आई एम सो लुकिंग टू गेट ग्रीन चिली, कहीं मुझे मिल जाए, बट यहाँ पे हरी मिर्च है ही नहीं। मैं अभी तक जितने भी स्टोर्स में गई मुझे कहीं नहीं मिली। आई होप कि इंडियन स्टोर में मिले। उस दिन जब हम लोग गए थे तो उस दिन तो वहाँ पे नहीं थी, बट नेक्स्ट विजिट में शायद मिल जाए। बट यार ग्रीन चिली तो इज़ लाइक आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं मिलती है। तो यहाँ पे वो रेड चिलीज मिलती है, जो ग्रीन चिली होती है ना उसी में, जो उसी का जो रेड वाली होती है छोटी वाली, वो मिलती है यहाँ पे। बट मुझे तो ग्रीन चिली के बिना मेरा खाना बनता नहीं है, मतलब आजकल मुझे सही नहीं लग रहा है ऐसे खाना बनाने में, क्योंकि ग्रीन चिली इज मिसिंग। दिस इज ऑल द स्टफ दैट आई हैव गॉट ना। मुझे बाहर से कपड़े उठाने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर कपड़े सुखाए थे आज, थोड़ी सी धूप आई थी तो थोड़ी देर के लिए धूप आई, उसमें डाले तो थे मैंने, अब पता नहीं कि सूख गए हैं या फिर नहीं सूखे हैं। अभी थोड़े थोड़े गीले हो रहे हैं, आई थिंक मैं इसको ना पूरा स्टैंड उठा के अंदर रख देती हूँ, अगर कल धूप आएगी तो सूख जाएंगे कपड़े। सो ये था मेरा पूरा दिन। एंड बिफोर आई हेड टू बेड आई मेक श्योर टू टेक माई मेडिसिन, डू सम जर्नलिंग एंड ब्रेन डम्प, एंड ऑल्सो रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ एनी ऑफ माई फेवरेट बुक एट द मोमेंट। आई ऑल्सो मेक श्योर टू राइट डाउन 5 things दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी डे बिफोर आई स्लीप एंड मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। I hope you enjoyed watching this vlog, and if you did, please like it and don't forget to subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, take care, be safe, and bye-bye.